मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 4 6th सेमेस्टर का। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर, मेलिग्नेंसी, यानी किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो गया है तो पहले तो कैंसर होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या स्टेज होती है कैंसर की, और फिर अगर हो गया है तो कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, यानी हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग की बात करेंगे। और उसमें से एक इंपॉर्टेंट ड्रग है नाइट्रोजन मस्टर्ड, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। यानी आज के लेक्चर में हम मोटा मोटा यही पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि व्हाट इज़ द मेलिग्नेंसी, कैंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, हम जब पैदा हुए थे तो हम इतने बड़े नहीं थे, हमारे सेल के अंदर एक सबसे खास चीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन की ताकत, यानी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो दोस्तों हमारी कोशिकाएं हैं वो लगातार मल्टीप्लाई होती हैं। और ये जो कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से जब मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन और प्रोलीफरेशन, दो वर्ड यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दो वर्ड होते हैं किसी भी डेवलपमेंट के लिए। एक होता है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है प्रोलीफरेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और प्रोलीफरेशन दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई एक सेल है, वो एक सेल से देखा जाए, अगर हम यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे कोई एक सेल है, उस एक सेल से दो सेल बन रहा है, उस दो सेल से चार सेल बन रहा है, उस चार सेल से आठ सेल बन रहा है। तो इस तरह के सेल को, डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और अगर एक सेल है, उस एक सेल से ढेर सारे सेल बन रहे हैं, कोई नंबर नहीं कि एक से दो ही बनेगा, फिर उस एक ढेर से सेल सेल से कुछ और सारे सेल्स बन रहे हैं, फिर उससे कुछ और सारे सेल्स बन रहे हैं, फिर उस सेल से कई सारे सेल्स बन रहे हैं। यानी इस तरह से जब एक से कई, फिर कई से कई संख्या बढ़ती है कोशिकाओं को, तो इसी वर्ड को हम लोग प्रोलीफरेशन कहते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में मल्टीप्लिकेशन और प्रोलीफरेशन दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारी सेल की कोशिकाओं में मल्टीप्लिकेशन और प्रोलीफरेशन होने की क्षमता बंद हो जाए तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, हमारी कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, हम जितने बड़े पैदा हुए थे उतने ही बड़े जीवन भर रह जाएंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सी एक फिनोमेना है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन तो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि संख्या बढ़ेगी नहीं, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर हमारे बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐसी दिक्कत हो जाए, देखिए एक बात समझिए, कोई कोशिका एक से दो हो रही है या दो से चार हो रही है या उसका मल्टीप्लिकेशन या प्रोलीफिकेशन जो भी हो रहा है, वो भगवान यानी हमारा जो नेचर है वो हमेशा कंट्रोल्ड मैनर में रखता है। कंट्रोल्ड मैनर मतलब वो एक निश्चित सीमा के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन होगा। भगवान को पता है, नेचर को पता है, शरीर को पता है कि कितनी कोशिकाओं की जरूरत है, उतने ही कोशिकाओं का मल्टीप्लिकेशन प्रोलीफिकेशन होगा, ये कंट्रोल्ड होता है। और अगर किसी कारण से ये जो मल्टीप्लिकेशन और प्रोलीफरेशन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, क्या हो जाए, अनकंट्रोल्ड, यानी आपको पता है कि आपके हाथ में कितनी चीज़ें हैं, कितना चीज़ आपको सामान बनाना है, वो कंट्रोल्ड तरीके से है, लेकिन अगर वही अनकंट्रोल्ड हो जाए, जैसे एग्जांपल तौर पे आपके घर में कोई गड्ढा खुदवाने का काम है, आपने क्रेन वाले को बुलाया, क्रेन ड्राइवर को बुलाया, आपके घर में जहाँ गड्ढा खोदना है उसने खोद दिया, वो कंट्रोल्ड तरीके से है, अब ड्राइवर नशे में है, वो आपकी सुन ही नहीं रहा है, वो अनकंट्रोल हो गया, वो जहाँ चाहेगा वहाँ गड्ढा खोद देगा, जहाँ पे खोदना है 10 फीट वहाँ पे 50 फीट खोद देगा, आपकी दीवार गिरा देगा, घर गिरा देगा, यानी वो आपके लिए नुकसान बन जाएगा। उसी तरह से जो मल्टीप्लिकेशन प्रोलीफरेशन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, अगर वही अनकंट्रोल्ड तरीके से होने लगे, अनकंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होने लगे, तो हमारे शरीर में अननेसेसरी, मतलब कि अनवांटेड, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या अननेसेसरी, जिसकी हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उस तरह का एक सेल मास इकट्ठा हो जाएगा। यानी वो एक ही जगह पे इकट्ठा होते 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 एक सेल मास बन जाएगा, और इस सेल मास के कारण ही ये हमारे शरीर में एक गांठ बना लेगा जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। और किसी भी कैंसर की शुरुआत ट्यूमर बनने से ही होती है।
ट्यूमर कैसे बन रहा है कि जब हमारे शरीर में मल्टीप्लिकेशन और प्रोलीफरेशन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो हमारी बॉडी में एक मास डेवलप हो जाता है और ये मास एक किसका रूप ले लेता है, ट्यूमर का रूप ले लेता है और यहीं से कैंसर की शुरुआत होती है। यानी हम कह सकते हैं वॉट इज द कैंसर, कैंसर इज अ प्रोसेस इन विच द मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोलीफरेशन ऑफ सेल्स बिकम अनकंट्रोल्ड एंड दे बिकम अ बॉडी मास, दिस इज कॉल्ड ट्यूमर, और वही होता है हमारा कैंसर। तो मोटा मोटी मैंने इस क्लास में आपको, इस स्लाइड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैंसर दोस्तों क्या होता है। अब चलिए कुछ आगे बढ़ लेते हैं। अब कैंसर होता कैसे है, क्यों कैंसर होता है, कैसे होता है, तो सोचिए कि कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो रही है। उसके बाद पोटेंशियल टू इन्वेड स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द सेल नोन एज द नियोप्लाज्मा ट्यूमर। और जो एक सेल मास बन रहा है किसी बॉडी के पार्ट में या कहीं और जा रहा है उसे हम नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर का एक नाम और होता है नियोप्लाज्म। अब हम इसके बात कर लेंगे डेफिनेशन कैसे होता है कि कोई भी सेल का अनकंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन, डिफरेंशिएशन, इन्वेसिवनेस, ये सब जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम लोग कैंसर कहते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें वर्ड्स होती क्या है। कैंसर में आपको चार वर्ड सुनाई देगा, कैंसर की कोशिकाओं में चार आपको नए टर्म सुनाई देंगे। उन टर्म्स के बारे में चलिए थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। चार टर्म, पहला है अनकंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन, इन्वेसिवनेस, मेटास्टेसिस और डिफरेंशिएशन। इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इन चारों को चीज़ को समझेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंसर। तो ये चार प्रॉपर्टी किसी भी कैंसर सेल में होती है। पहला अनकंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन, मैंने आपको बताया कि संख्या जो है अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगती है, मतलब कि जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 होना चाहिए, यानी कि जो उसके नंबर ऑफ सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से जब बढ़ने लगते हैं दिस इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन, बिखराव बहुत तेजी से होने लगता है। दूसरा है डिफरेंशिएशन। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन हमारे सेल की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है। हमारे शरीर में कई तरह की कोशिकाएं हैं, जैसे हम देखा जाए तो मसल की कोशिकाएं जो होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मायोप्लाज्म बोलते हैं या मायोकार्डिया बोलते हैं, सॉरी मसल कोशिकाएं हैं। उसी तरह से हमारे ब्रेन की कोशिकाएं हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, हमारे हार्ट की कोशिकाएं हैं जिसको हम कार्डियक सेल कहते हैं, हमारे लीवर की कोशिकाएं हैं जिसको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। यानी ये सभी कोशिकाएं हैं, लीवर की कोशिकाओं को हिपेटोसाइट कहते हैं, हार्ट की कोशिकाओं को कार्डियोसाइट्स कहते हैं, ब्रेन की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं, मसल्स की कोशिकाओं को मायोस्पास कहते हैं, ठीक है, मसल्स कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं, और किडनी की कोशिकाओं को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। यानी सभी कोशिकाएं तो हैं लेकिन सबका काम अलग है, सबका नाम अलग है। नाम क्यों अलग हो गया, क्योंकि उसका काम अलग है। तो ये जो एक ही शरीर में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करती हैं उन्हें डिफरेंशिएशन कहते हैं, विभिन्नताएं। और डिफरेंशिएशन होने का फायदा है कि हमारे शरीर के अलग अलग कोशिकाएं, अलग अलग अंग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब क्या हो रहा है कि अगर हमारी कोई कोशिका है, मान लीजिए हमारी कोई कोशिका लीवर की है, तो अब मसल की कोशिका का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना। ब्रेन की कोशिका का काम क्या है, सिग्नल को पास करना। हार्ट की कोशिका का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना। लीवर कोशिका का काम क्या है, एंजाइम सिक्रीट करना, हार्मोन सिक्रीट करना ताकि खाना पचे। न्यूरॉन की नेफ्रॉन कोशिका का काम क्या है, ताकि यूरिन को फिल्टर कर सके, तो ब्लड को फिल्टर कर सके। तो सभी कोशिकाओं का अपने काम है, लेकिन जब किसी एक जगह पे जो कोई कोशिका निकल रही है और वो कोशिका भी एक ही जगह से अलग अलग काम करना शुरू कर दे, यानी कि जो लीवर की कोशिकाएं हैं वो किडनी कोशिका की तरह काम करने लगे, जो किडनी कोशिका है वो दिमाग की कोशिका की तरह काम करने, लेकिन अपना कोशिका एक ही कोशिका से कई कोशिकाएं जो बन रही हैं वो काम अलग अलग करने लग जाए, तब ये हमारे लिए समस्या बन जाएगा। तब ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, समस्या बन जाएगा। जैसे कि आपके घर में कई सारे वर्कर हैं, एक झाड़ू पोछा वाला है, एक खाना बनाने वाला है, एक माली है। अब माली से कहो कि झाड़ू लगाने लग जाए, खाने वाले से कहो कि वो खाना बनाने वाले से मालिक काम करने लग जाए, जो आपके यहाँ ड्राइवर है वो मान लीजिए कि किचन काम करने लग जाए, तो वो काम गड़बड़ा जाएगा। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगला है इन्वेसिवनेस। दोस्तों इन्वेसिवनेस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी आपका जो सेल का मास बना, मैंने आपसे बताया ना कि जब लगातार कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो वो धीरे 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 नियोप्लाज्म बनता है, या जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। जब ट्यूमर बनने लगता है तो ये ट्यूमर हमारे बॉडी के अंदर एक उभार बना लेता है। जैसे मान लीजिए हमारी ये स्किन है, ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारा हाथ है और ये हमारा हाथ सिंपल सा है, लेकिन जब ट्यूमर निकलेगा तो ये हमारा हाथ यहाँ पे एक गांठ निकल जाएगी जो उभार बन के आ जाता है, इसी को हम लोग इन्वेसिवनेस कहते हैं।
तो कैंसर की कोशिकाओं में एक खास पहचान यह होती है कि वो इन्वेजिव हो जाता है, वो उभर जाता है, वो गांठ की तरह बाहर निकल जाता है, जिसको हम पहचान सकते हैं। और एक खास चीज़ होती है मेटास्टेसिस, इसको समझिए कि कैंसर की सेल जब एक जगह पे है, यानी मान लीजिए कि किसी इंसान के हाथ में कैंसर है और ये गांठ बना हुआ है, तब तक तो काम ठीक है, इसका ऑपरेशन करा भी सकते हैं, सब कुछ ठीक। लेकिन एक समय के बाद जब ये बहुत डेवलप हो जाता है तो ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, यहाँ से लीवर में, लीवर से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से लंग्स में घूमने लगता है। यानी ये कैंसर का ट्यूमर, ये कैंसर का सेल एक जगह पर ना रुक करके कई जगह पर घूमने लगता है, इसी को मेटास्टेसिस कहते हैं। और जब कैंसर इस स्टेज में पहुंच जाता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में, पूरे ऑर्गन में बहुत तेज़ी से फैलना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एक बात समझ लिया कि व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ कैंसर सेल। यानी कैंसर के कुल चार फीचर बेसिकली यहाँ पे होते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या है पैथोजेनेसिस, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कैंसर सेल की पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे जानेंगे कि कैंसर कैसे बॉडी में फैलता है। तो इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी होगी। एक, म्यूटेशन क्या होता है। देखिए, म्यूटेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जब किसी बॉडी के किसी सेल में, किसी पार्ट में अचानक से कोई परिवर्तन आ जाए, अचानक से कोई चेंज आ जाए, वो बदलने लग जाए, उसका नेचर अचानक से बदल जाए, उसे म्यूटेशन कहते हैं। जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उससे प्यार से बात करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आप लोग साथ में रह रहे हैं, हंसते खेलते हैं, अचानक से किसी दिन उसने आपको किसी और लड़की के साथ देख लिया, तो जब आप शाम को उसके मिलने जाएंगे तो क्या आपको वही वाला रूप मिलेगा, पहले वाला प्यार वाला? वो अलग चंडी बनी रहेगी, दुर्गा बनी रहेगी, आपसे लड़ेगी, आपको आफत कर देगी, ताने मारेगी, गरियाएगी, पटक के भी मारेगी। यानी जो रूप उसका रोज का था वो रूप अब बदल गया। दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। यानी हमारी शरीर में जो कोशिकाएँ हैं, किसी कारण से, किसी भी कारण से जब अचानक से उसका बिहेवियर बदल जाए, अचानक से वो कुछ और तरीके से काम करने लग जाए, इसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। अब इसको समझिए, म्यूटेशन हमारी बॉडी में दो तरीके से होता है। एक अपने आप जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी या किसी रीजन से, उसे हम इनहेरिटेड म्यूटेशन कहते हैं। और एक किसी कारण से हो जाए, जैसे वो कारण क्या है, कोई केमिकल अटैक हो जाए, कोई वायरस का अटैक हो जाए, कोई रेडिएशन हो जाए, किसी भी कारण से, अगर किसी भी अलग अलग रीजन से दोस्तों, अगर हमको केमिकल हो गया, वायरस हो गया, रेडिएशन हो गया, इससे होता है एक्वायर्ड म्यूटेशन। और अपने आप हो रहा है तो वो हो गया हमारा इंटरमीडिएट। तो जब म्यूटेशन होता है, जब हमारी बॉडी में म्यूटेशन होता है, या तो एक्वायर्ड या तो इनहेरिटेड। तो म्यूटेशन होता है तो हमारे बॉडी में होते हैं ऑन्कोजेंस। ध्यान समझिएगा, हमारे बॉडी में एक ऑन्कोजेन होता है जो कैंसर के सेल को बनने से रोकता है। भगवान को पता था कि आगे चल के भी दिक्कत होगी, उसने एक जड़ी बूटी डाल दी हमारे शरीर के अंदर जिसको ऑन्कोजेन कहते हैं, वो कैंसर को रोकने वाला सेल होता है। तो जैसे ही जो हमारा म्यूटेशन होता है तो जो प्रोटो ऑन्कोजेन है वो ऑन्कोजेन को रिलीज करना शुरू करता है। और जब ऑन्कोजेन रिलीज होगा तो जो यहाँ पे सप्रेसर जीन होता है हमारी बॉडी में, देखिए दो तरीके के जीन होते हैं, ध्यान समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे बॉडी में दो जीन होते हैं, एक ऑन्कोजीन, एक सप्रेसर जीन। ऑन्कोजीन जो होती है ये कैंसर के सेल को बढ़ाता है, सप्रेसर जीन जो होती है वो कैंसर के सेल को घटाता है। ऑन्कोजेन और सप्रेसर भगवान दोनों डाल के रखा है कि जब हमारे सेल के अंदर सेल का ग्रोथ कम हो जाए, यानी सेल का मल्टीप्लिकेशन कम हो जाए, तो ऑन्कोजीन काम करना शुरू कर देता है और सेल के ग्रोथ को बढ़ा देता है, मल्टीप्लिकेशन को बढ़ा देता है। और जब मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होने लगे तो कैंसर बन जाएगा, तो भगवान उसके लिए सिस्टम बना कर रखे, उन्होंने सप्रेसर जीन डाल दिया है जो कैंसर के सेल को रोकता है, यानी मल्टीप्लिकेशन को कम करता है। यहाँ कैंसर ना बोल के हम बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल है वो बढ़ाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो घटाएगा। क्लियर? तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे ही म्यूटेशन होता है ऑन्कोजेन की संख्या बढ़ जाती है और सप्रेसर जीन की संख्या जो है वो घट जाती है। और आपको पता है जब सप्रेसर घटेगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ये बढ़ता है तो उसको हटाता है, और ऑन्कोजेन जब बढ़ेगा तो मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा। यानी दो कारण होते हैं, सप्रेसर जीन का घटना और ऑन्कोजेन का बढ़ना। दोनों ही केस में हमारे बॉडी में जो कार्सिनोजेन हार्मोन्स होते हैं, जो कैंसर करने वाले केमिकल्स होते हैं, वो प्रमोट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, झुंड के झुंड निकलने लगते हैं और हमारे सेल में अनकंट्रोल्ड प्रोलिफेरेशन होने लगता है, एटोपसोसिस होने लगता है, अल्टरेशन होने लगता है, और कुल मिला के हमारी बॉडी में एक ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है जिसको नियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस का मतलब आया कि कुल मिला के जब हमारे बॉडी में म्यूटेशन होगा, चाहे वो एक्वायर्ड हो, चाहे वो इनहेरिटेंस हो,
म्यूटेशन के बाद ऑन्कोजीन की संख्या बढ़ेगी, सप्रेशन संख्या घटेगी, उस केस में हमारी बॉडी में कार्सिनोजेन हार्मोन्स निकलेंगे जो क्या करेंगे, कैंसर को डेवलप करेंगे। ये एक सिंपल सा हम लोगों ने देख लिया इसकी दोस्तों पैथोजेनेसिस। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक में। अब कैंसर दोस्तों दो प्रकार का होता है, इसको समझिए, कैंसर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा बेनाइन ट्यूमर या बेनाइन कैंसर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट। इसको समझिए, बेनाइन और मैलिग्नेंट, ऐसे तो दोनों खराब हैं, कैंसर को तो नाम ही खराब है, लेकिन इस दो प्रकार में बेनाइन कुछ कम खतरनाक है और मैलिग्नेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक। आप यहाँ देख रहे फोटो में कि आपके शरीर में ये आपका नॉर्मल सेल है और आपके साथ ये बेनाइन है, तो ये आपके साथ साथ रहेगा, आपको नुकसान करेगा, लेकिन मैलिग्नेंट वाला आपको बहुत नुकसान करेगा, आपको मार के रख देगा, आपको पीट के रख देगा। तो बेनाइन थोड़ा सा ठीक है, मैलिग्नेंट बहुत खतरनाक है। कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, मैलिग्नेंट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, कई बहुत तेज़ी से बॉडी की स्थिति खराब होने लगती है। बेनाइन ट्यूमर में जो होते हैं इसकी जो कोशिकाएं जो डेवलप हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो नॉर्मल कोशिकाओं की तरह है, देखिए कुछ कुछ आपको नॉर्मल कोशिकाओं की तरह है, लेकिन मैलिग्नेंसी में पूरी तरह से डिफरेंशिएशन होता है, इन्वेसिवनेस होता है, यानी उसमें उभार आएगा, ट्यूमर निकलेगा। इसमें जो होता है ये लोकलाइज्ड है, यानी बेनाइन ट्यूमर एक ही जगह पर रुका रहता है, जैसे हाथ में निकला है, पैर में निकला है, गले में निकला है, तो वहीं पर रहेगा, लेकिन इसमें होती है मेटास्टेसिस, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करता है, इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, इसको ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इससे इंसान की जान जा सकती है, कैंसर का इलाज अभी भी प्रॉपर नहीं हो पाया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कैंसर में आप जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज तक अगर आपको मालूम चल गया तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे आपने युवराज सिंह का नाम सुना होगा, बहुत फेमस पर्सन है, क्रिकेटर है, उनको ही कैंसर फर्स्ट स्टेज में मालूम चला था। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि इटियोलॉजी ऑफ कैंसर, कैसे मालूम चलेगा कि कैंसर हो रहा है या कैंसर हमारी बॉडी में कैसे फैलता है, कुछ इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं। कि जैसे ही कार्सिनोजेनिक केमिकल, जो कैंसर वाले केमिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में आते हैं, तो मैंने आपसे बताया था कि म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन क्यों होता है? म्यूटेशन इसलिए होता है कि वो हमारे डीएनए के साथ रिएक्शन करता है, और हमारे डीएनए के साथ रिएक्शन करके उसके स्ट्रक्चर को, शेप को चेंज कर देता है। जब स्ट्रक्चर और शेप को डीएनए चेंज कर देगा तो ऑटोमेटिक म्यूटेशन होगा, हमारा सेल का स्ट्रक्चर बदलने लगेगा। उसमें दो तरीके के जीन होते हैं बेसिकली डीएनए में, एक होते हैं इनिशिएटर, एक होते हैं प्रमोटर। इनिशिएटर वो होते हैं जो ट्यूमर के सेल के बनने की शुरुआत करते हैं, बस शुरुआत करते हैं, और प्रमोटर वो होते हैं जो सेल शुरुआत तो कर दिए लेकिन वो उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए, आपके पास दो दुश्मन हैं, आपके घर के पास दो दुश्मन आए, एक दुश्मन के हाथ में माचिस है और एक दुश्मन के हाथ में पेट्रोल का ड्रम है, तो पहला वाला दोस्त माचिस मार के फेंकेगा, इसमें आपका घर जलेगा नहीं, बस उसने शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे दोस्त ने जब उसमें पेट्रोल फेंक दिया तो आपका घर जलने लगेगा। यानी इनिशिएटर सिर्फ माचिस लगा रहा है, ये कम खतरनाक है लेकिन शुरू यही करता है, और प्रमोटर वो है जो पेट्रोल डाल रहा है, यानी ये आपकी शरीर में ये प्रमोटर का इस्तेमाल करने से कोशिकाएं बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, ये कुछ इसके कारण होते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल और हैजार्ड्स क्या होते हैं। बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं, बहुत से ऐसे जैसे आज लोग बहुत सारे तरह के डाई यूज़ करते हैं, आर्सेनिक, विनाइल क्लोराइड है, एस्बेस्टस है, बेंजीन है, पीवीआर है, बहुत से ऐसे कहते हैं ना, चाय के कप में, प्लास्टिक के कप में दूध मत पियो, प्लास्टिक कप में चाय ना पियो, पॉलीथीन में खाना ना खाओ, ये ना खाओ, एल्युमिनियम फाइल में खाना ना लपेटो, कैंसर होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसके प्रभाव से कैंसर हो सकता है, ये माना जाता है। कुछ वायरस भी होते हैं जो कैंसर काज करते हैं, जैसे कि एस्पिटियन बार वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इनसे भी हो सकता है। डाइट भी एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का, कि अगर कोई व्यक्ति डाइट ऐसा खा रहा है इसमें हाई फैट है, लो फाइबर है, तंबाकू बहुत ले रहा है, सुरती खा रहा है, नशीली पदार्थ खा रहा है, अल्कोहल ले रहा है, उसको कैंसर हो सकता है। इसके साथ कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं म्यूटेशन के, भाई आपके माता पिता से ट्रांसफर हो सकती है कुछ पीढ़ी, और कुछ इम्यूनो सप्रेशन ड्रग अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब अलग अलग कारण हैं जिससे कि आपको कैंसर हो सकता है। आगे हम बात करने वाले हैं कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम कैसे मालूम करेंगे किसी व्यक्ति को कैंसर है। तो उसके कैंसर के लिए हम व्यक्ति का टेस्ट कराते हैं, तो उसमें सबसे पहले उसके कैंसर के लिए सिम्टम्स देखते हैं, कि अगर सिम्टम लग रहा है तो डॉक्टर क्या बोलेगा, उसको कहेगा भैया बायोप्सी टेस्ट करा लो। जब डॉक्टर देखेगा कि इसके सिम्टम से गांठ वांठ देख के लग रहा है कैंसर हो सकता है, तो कहेगा बायोप्सी टेस्ट करा लो। बायोप्सी टेस्ट क्या होता है कि आपके सेल का कुछ थोड़ा सा पार्ट काट के वो लैब में भेजते हैं, लैब में जैसे वो चेक करेंगे तो मालूम चल जाता है कि कैंसर है। अगर वो कैंसर है तो किस स्टेज में है, अगर स्टेज इनिशियल स्टेज में है तो वो बेनाइन कैंसर है, और पूरी बॉडी में फैल चुका है तो वो मैलिग्नेंट कैंसर है। वो इस तरह से देखा जाए तो कुल मिला के जाँच करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ डायग्नोसिस कैसे करते हैं,
दोस्तों डायग्नोसिस देखो बेसिकली क्या होता है उसमें, MRI के द्वारा, CT स्कैन के द्वारा, पहले तो देखिए आपका जो बायोप्सी टेस्ट होता है, बायोप्सी टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें ब्रांकोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, सर्जिकल बायोप्सी, नीडल बायोप्सी या कई तरह के मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI के द्वारा हम लोग चेक करते हैं। अब कैंसर के कौन कौन स्टेज भैया, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, वो बेनाइन स्टेज होता है, इसमें आप उसको दवा करके इलाज कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि किसी को पता चलता नहीं है, कोई दिक्कत होती नहीं बॉडी में, लगता है सब ठीक है। और जब हमारे इंडिया में जब तक सब लोग ठीक हैं कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है और वो इलाज नहीं कराना चाहता, इसलिए पता नहीं चलता है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ने पर ये थोड़ा सा जब प्रोग्रेसिव होता है तो सेकेंड, थर्ड और लास्ट वाला फोर्थ स्टेज में आके इंसान की मौत हो सकती है, बचने के चांसेस नहीं है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने अब तक पूरा का पूरा मोटा मोटा बात किया कि कैंसर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है, कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर, कैंसर का इलाज कैसे करेंगे, कैंसर के लिए मेडिसिन कौन से देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कैंसर का इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो चार तरीके से कर सकते हैं, चार अलग अलग पद्धतियां हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं लोग, जिसमें से सबसे पहली पद्धति है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में अलग अलग दवाओं का डोज कॉम्बिनेशन मरीज को दिया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है, इसे कीमोथेरेपी कहते हैं। ये बहुत ही डेंजरस होता है, डेंजरस मतलब क्या कि वो एक तरीका है, इसमें इंसान को बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत पेन होता है, सारे बाल वगैरह झड़ जाते हैं, चेहरे का रंग बदल जाता है, तो ये दूसरा। दूसरा है सर्जिकल रिसेक्शन, कि अगर आपको लग रहा है कि ये बेनाइन स्टेज में है, किसी एक ही जगह पे है, फैला नहीं हुआ है, तो कैंसर को वहाँ से काट करके अलग करते हैं सर्जरी के द्वारा, तो दूसरा तरीका है सर्जरी। तीसरा है रेडियोथेरेपी, कि मान लीजिए किसी एक पार्ट पर कैंसर है तो रेडिएशन लगा करके सेल को जला करके उसको नष्ट कर देते हैं, तो वो रेडिएशन है। और लास्ट में इम्यूनोथेरेपी है, आपको ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए ताकि आप कैंसर से लड़ सके। तो कुल चार तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं किसी भी कैंसर के इलाज के लिए, कीमोथेरेपी, सर्जिकल, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के चार चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होता है। देखो कीमोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें कीमोथेरेपी ही केवल पढ़ना है, बाकी ये हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं और ड्रग्स का उपचार जो है वो कीमोथेरेपी में ही होता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कीमोथेरेपी क्या होता है। तो जो कीमोथेरेपी में होता है इसमें बहुत सारे जो दवा हम यूज करते हैं कैंसर के लिए, उसे हम एंटी कैंसर ड्रग या एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहते हैं, ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग करते हैं। इसको देने के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं बॉडी में, जैसे कि BMD है, लॉस ऑफ हेयर है, नॉजिया वोमिटिंग है, ससेप्टिबिलिटी इन्फेक्शन के लिए, टेराटोजेनिसिटी है, अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है उसे कैंसर का इलाज किया जाए तो उसके बच्चे को खराबी हो सकती है, इसको टेराटोजेनिसिटी कहते हैं। जो गर्भ में बच्चा है अगर वो खराब होता है उसको टेराटोजेनिसिटी कहते हैं। तो दोस्तों ये एक कुछ सिंपल सा ट्रीटमेंट है। अब हम कुछ कीमोथेरेपी में और चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे कीमोथेरेपी में, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग या क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। तो इस पर ढेर सारी दवाइयाँ हैं, सबको बस आपको नाम याद करना और क्लासिफिकेशन जरूर याद करना है, ठीक है। तो पहला है एल्कलाइटिंग एजेंट। तो एल्कलाइटिंग एजेंट में कौन कौन से, नाइट्रोजन मस्टर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना है, याद करना है, क्लोरमब्यूसिल है, साइक्लोफास्पामाइड है, मेथक्लोराथामीन हाइड्रोक्लोराइड है, यूरेसिल मस्टर्ड है और इफोस्फामाइड है। ये नाइट्रोजन मस्टर्ड के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में एक दो बार पूछेगा शॉर्ट फॉर्म में, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग का कई बार पूछा गया है इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। अगला है हमारा एथाइल सबीन में थायोटिपा है, हेक्सलमेथिलामीन है, ट्राई एथिल अमीन में है, ठीक है। और नाइट्रोस्यूरिया ड्रग में हमारा कार्मस्टीन है, लोमेस्टीन है, सोमेस्टीन है और स्ट्रेप्टोजोसिन है, ये हमारे ड्रग हैं नाइट्रोस्यूरिया में। एल्किल सल्फोनिल कैटेगरी में अंतर्गत हमारे बसल्फान आते हैं, थायाजीन कैटेगरी में हमारा डेकाराजीन आता है, प्लैटिनम बेसिली एल्कलाइटिंग एजेंट में हमारे सिसप्लैटिन और कार्बोप्लैटिन और ऑक्सीप्लैटिन आती है, भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। और मिथाइल हाइड्राजीन कैटेगरी के अंदर हमारा प्रोकार्बाजीन आता है। कुछ और ड्रग्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। और एंटी मेटाबोलाइट ड्रग मतलब क्या होते हैं, देखिए इसको समझिए, पहला वाला जो ड्रग था वो मेडिसिन था। एंटी मेटाबोलाइट क्या होते हैं दोस्तों, कि जो हमारा कैंसर सेल है उसको भी डेवलप होने के लिए उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उसको चाहिए फोलिक एसिड, उसको चाहिए विटामिन प्रोटीन, ठीक है, DNA चाहिए। तो ऐसी दवाइयाँ जो उसके मेटाबॉलिज्म को ही रोक दे ताकि सेल का ग्रोथ ही ना हो पाए, सेल का डेवलपमेंट ही ना हो पाए, उसे एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स कहते हैं। उसमें पहला है फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, जो सेल के अंदर फोलिक एसिड के प्रोसेस को रोकेगा ताकि सेल डेवलप ना हो। मेथोट्रेक्सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, मेथोट्रेक्सेट। पिरिमिडीन एनालॉग, जो पिरिमिडीन को बनने से रोकेगा, जब प्यूरिन पिरिमिडीन नहीं बनेगा तो DNA RNA नहीं बनेगा। तो पिरिमिडीन में 5-फ्लोरोयूरेसिल FU मतलब फ्लोरोयूरेसिल, और दूसरा है
साइट्राबीन और अगला है एजारबीन, ये ड्रग होते हैं। और फ्लूरोक्सीडीन प्यूरिन एनालॉग के अंदर हमारा 6 MP आता है और 6 TG आता है, थायोग्लिसराइड होता है, और एजाथायोपिन और फ्लोडारबीन है। और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि प्लांट से मिलता है, जिसको हम लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे कि प्लांट से मिलने वाले ड्रग है, जैसे विनका से मिलता है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। विनका आप जानते हैं दोस्तों, आपने सदाबहार का एक फूल देखा होगा, मेरे ख्याल से कभी आपने गमले में देखा होगा, बहुत छोटे से ऐसे फूल होते हैं, ऐसे ऐसे सफ़ेद या पीले रंग के सदाबहार छोटे छोटे फूल होते हैं, उससे मिलता है ये विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। और एपिडोफाइलोटैक्सिन से हमारा मिलता, पोडोफाइलोटैक्सिन एक प्लांट होता है उससे मिलता है एपिटोसाइट और टेनिसोसाइट। टेक्सेन प्लांट से मिलता है पैलिसेक्टेक्सेल और डोसेलेट, और हमारे जो कैम्फोथेसिन डेरिवेटिव है उससे है एरिडोटोनिकन और टोपोटेकॉन। ये सब अलग अलग ड्रग हैं जो बेसिकली हमें दोस्तों प्लांट से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ और दवाइयाँ हम देख लेते हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल करते हैं कैंसर के लिए, बहुत सारी मेडिसिन है उसमें, आपका एक्टिनोमाइसिन डी है, डोरोनाबोनुसिन है, डॉक्साब्यूरोसिन है, मिटोमाइसिन है और ब्लियोमाइसिन है। एंजाइम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं जैसे कि एल एस्पारजिनेज। और कुछ नई टेक्निक में हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा रिटुक्सिमैब और ट्रेस्टुजुमैब, ठीक है। कुछ हार्मोनल ड्रग्स भी हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हम लोग प्रेडनिसोलोन देते हैं, एस्ट्रोजन में हम लोग फॉस्फेस्ट्रॉल और एथिनेस्ट्रॉल डायल देते हैं। कुछ सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर ड्रग हैं जैसे कि हमारा टेमोक्सिफेन और जेरेमिफेन देते हैं, ठीक है। कुछ सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर है जिसका नाम है हमारा फुलविस्टरैंट। एरोमेटेज इनहिबिटर में हमारा लेट्रोजोल और एनेस्ट्राजोल आता है और एक्सेमेस्ट्रेन आता है। एंटी एंड्रोजन ड्रग में हमारे फ्लूटामाइड और बैक्लोटामाइड है, और इसी तरह से लास्ट 5-फेनिलएक्टेज इनहिबिटर में आपका फिनेस्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड आता है, ठीक है। ये हमारे 5-फेनिलएक्टेज इनहिबिटर होते हैं। तो ये दोस्तों ये दवाइयों के नाम हो गए, और इसको आपको याद करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसलिए आपको ये चीज़ें याद करनी है। बाकी कुछ खास नहीं है, इन सभी दवाइयों का मैं आपको एक कॉमन बता देता हूँ मोड ऑफ एक्शन, कि सभी दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। जब भी किसी एग्जाम में किसी भी दवा का मोड ऑफ एक्शन पूछेगा, अगर आप ये वाला टेबल बना देते हैं, ये वाला टेबल को आप समझ लेते हैं, तो आप आसानी से मोड ऑफ एक्शन किसी भी ड्रग का लिख सकते हैं। तो एक कॉमन सी प्रोसेस क्या है, किसी भी सेल को डेवलप होने के लिए DNA, RNA और प्रोटीन चाहिए। आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, वो ट्रांसलेशन प्रोसेस है। और हमारी बॉडी में जब तक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस नहीं होगा, बॉडी में सेल का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमें कुल मिलाकर सेल का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो रहा है, तो हमको सेल के मल्टीप्लिकेशन को रोकना है, यानी DNA बनने से रोकना है। तो क्या होता है, प्यूरिन पिरिमिडिन को रोक दो, एक तरीका है। अगर प्यूरिन पिरिमिडिन बन गया तो RNA को रोक दो, अगर RNA बन गया तो DNA को रोक दो, अगर DNA बन गया तो DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, यानी इस पूरे प्रोसेस को कहीं से भी अगर आप रोक देंगे तो कैंसर को आप रोक देंगे। तो अगर प्यूरिन और पिरिमिडिन जो बन रहा है, इसको रोकने के लिए जो हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं प्यूरिन पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। और उसमें इसका ठीक है, और जो दवाइयाँ RNA और DNA को बनने से रोकती हैं उसको एग्जाम्पल है मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट का अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट, ये DNA और RNA के सिंथेसिस को रोकता है, ठीक है। जैसे अगला ड्रग है हमारा 5-फ्लोरोयूरेसिल, तो ये क्या करता है, ये DTMP सिंथेसिस को रोकता है, यानी जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बन रहा है यहाँ पे, इस प्रोसेस को ब्लॉक करेगा ये, ठीक है, यहाँ से इस प्रोसेस को ये इनहिबिट करेगा, ब्लॉक करेगा। अगला ड्रग है हमारा साइटाराबीन, ये क्या करता है, ये DNA का जो रेप्लिकेशन होता है, ये DNA से DNA का रेप्लिकेशन होता है, यानी DNA की संख्या बढ़ती है, तो ये इस प्रोसेस को स्टॉप करेगा। जब DNA का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो RNA प्रोटीन बनेगा नहीं। अगला ड्रग है हमारा डेक्टिनोमाइसिन, ये क्या करता है, ये DNA के साथ रिएक्शन करके DNA के फंक्शन को चेंज कर देता है। जब DNA का फंक्शन चेंज हो जाएगा तो सही RNA नहीं बनेगा, सही प्रोटीन नहीं बनेगा, और सेल हमारा मल्टीप्लिकेशन उसका बंद हो जाएगा। और जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है एल्कलाइटिंग एजेंट, जो मैंने आपको बताया था, उसका काम क्या करते हैं, ये DNA के साथ इंटरैक्शन करके DNA के फंक्शन को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे सबका कॉमन बता रहा हूँ मोड ऑफ एक्शन, सबका अलग अलग बताना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए एक साथ इकट्ठा करिए, स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा। और ये करता है कि जब ये DNA के एल्कलाइटिंग एजेंट उसके क्रॉस लिंकिंग को रोकते हैं, DNA का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, जिससे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। मैं यहाँ पे हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको ऐसे ही मोड ऑफ एक्शन याद कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब एक ड्रग है हमारा एल्कलाइटिंग एजेंट, मैंने कहा कि जो कि एग्जांपल है, जैसे कि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मैकेनिज्म मैं अलग से आपको बता रहा हूँ कि जो एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं ये क्रोमियम आयन के साथ एक रिएक्टिव रिएक्शन करते हैं, और क्या करते हैं, ये एल्किल ग्रुप को जो न्यूक्लियोफिलिक साइट होते हैं किसी भी डीएनए का जो बेस होता है, उस बेस पेयर में आपको पता है डीएनए में कौन कौन से पार्ट होते हैं मिलकर बना होता है, एक राइबोस शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, न्यूक्लिक एसिड है और फास्फोरिक ग्रुप है। तो जो फास्फोरिक ग्रुप जो आपका एल्किल ग्रुप, उसमें जो एल्किल ग्रुप लगा है उसको ट्रांसफर कर देता है। जब डीएनए का बेस को ट्रांसफर कर दिया एल्किल ग्रुप से, तो होता क्या है, क्रॉस लिंकेज, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग और डीएनए स्टैंडर्ड ब्रेकिंग, ये पूरा डीएनए का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। जब डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो सेल का प्रोलिफरेशन बंद हो जाएगा, और जो आपका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होते ही ऑटोमेटिक सेल का मल्टीप्लिकेशन, सेल का प्रोलिफरेशन यहाँ पे बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक मोड ऑफ एक्शन है एल्कलाइटिंग एजेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मैं अलग से बता रहा हूँ। बाकी नाइट्रोजन मस्टर्ड उसका एग्जांपल है एल्कलाइटिंग एजेंट में, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड में एग्जांपल क्या आता है, जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड है, क्लोरामब्यूसिल है, मेथक्लोरामीन, हाइड्रोक्लोराइड है, यूरेसिल मस्टर्ड है, इफोस्फामाइड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, साइटोटॉक्सिक एजेंट होते हैं। ये मस्टर्ड गैट से प्राप्त होते हैं और सेल को डेड करते हैं, सेल को मारते हैं ताकि मल्टीप्लीकेशन ना हो। जिसमें साइक्लोफॉस्फामाइड क्या करता है, ये इनविट्रो देते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है वहाँ पर जाके वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उस तरह से वहाँ पे पर्टिकुलर रिएक्शन देता है। जैसे ठीक है, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि जैसे कि लिम्फोसार्कोमा, ब्रेस्ट, ओवेरियन कैंसर के लिए हम इस दवाई का यानी कि साइक्लोफॉस्फामाइड दवाई का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने कैंसर के बारे में पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो इस यूनिट नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 4 में जब मिलेंगे तो एक बड़ा टॉपिक है इम्यूनोमॉड्यूलेटर, तो हमारा टॉपिक है जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर, उस पर स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो मेरे ख्याल से क्लास आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ते रहिए, एक एग्जाम बहुत करीब है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑलवेज।